आरसीबी टाइटल जीत गया, आरसीबी टाइटल जीत गया भाई, उनका चेक करें जो फाइनल हुआ है डब्ल्यूपीएल का, स्टेडियम भरा हुआ था, और हमारे यहाँ जो पीएसएल के आपका 9 साल से है उसके अंदर कोई आने को तैयार नहीं। इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है भाई, आप करें कुछ ऐसी चीज करके दिखाएं, इतने बड़े बड़े दिमाग, इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज आप देते हैं, वो बैठे और बैठ के ऑर्गेनाइज करें। पीएसएल के मैच में वो वाली चीज नहीं आ रही क्राउड के हवाले से। अब फाइनल है, एक तो मंडे को रख दिया, हमने पहले भी डिस्कस किया भाई, संडे को रख देते, मंडे को रख दिया, क्राउड ही नहीं आ रहा हमारा, नहीं आता है। एंड ऑफ कोर्स सब ज़्यादा यू नो अब तो आर्ट कंसर्न हो गया है, पीसीबी के जो चीफ्स हैं, जो हेड्स हैं, वो आपस में मिलके बैठ रहे हैं, डिस्कस करें कि क्या वो कर सकते हैं, कि क्राउड पुलिंग हैज़ बिकम रियली एन इशू, और सब पूछना चाह रहे हैं कि किस तरह हम लोग चेंज कर सकते हैं थिंग्स अराउंड कि कराची में क्राउड आने लग जाए, बड़ा कंसर्न हो गया है। रॉयल चैलेंजर्स ने जी टाइटल जीत दिया, अब तक 16-17 साल में मर्द कोई टाइटल नहीं जीत पाए, लेकिन अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग जो हो रही है, जैसे आईपीएल होती है ऐसी वुमेन्स की होती है, उन्होंने टाइटल जीत लिया भाई, बड़ी बात नहीं है वुमेन्स की। बिल्कुल जी, आज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का मैच था दिल्ली कैपिटल के साथ, और स्मृति मंदाना उनकी कैप्टन थी। अच्छा, ये टीम जब लास्ट ईयर इनकी बिडिंग हुई थी तो स्मृति मंदाना वॉज द हाइएस्ट पेड क्रिकेटर, 3.4 करोड़ की उनकी बिडिंग हुई थी। उनका लास्ट सीजन बहुत ही बुरा रहा था नो डाउट, और उसमें एलिस पेरी भी थी, लेकिन इस साल जो इनका टर्न अराउंड है वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। क्राउड को आप कैसे जो है वो एंगेज करेंगे, और इन मैचों के लिए आप उनको मधु करना चाहेंगे, तो ये हथेली पर सरसों सजाने वाली बात है। मेरे आई वॉज फीलिंग अ बिट एम्बैरस के जब मैंने एक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये आर्टिकल पढ़ा कि पाकिस्तान का क्राउड का ये फाइनल पूरी दुनिया में इतवार को होता है, यहाँ पे मंडे को हो रहा है, और मतलब वो जब ये सारी चीज़ें लिखी हुई पड़ी तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। आने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैं तो स्टेडियम जा ही रहा हूँ, तो मुझे मालूम है क्योंकि आने को तैयार है नहीं है, या ऐसे मौके किए जा रहे हैं कि लोग आए ना, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लोग स्टेडियम में आएंगे तो कुर्सियाँ भी साफ़ करनी पड़ेंगी, वॉशरूम का भी इंतजाम जो है वो सफाई सुथरा का इंतजाम रखना पड़ेगा, गेट पर सिक्योरिटी एहलकारों को भी जो तैनात करना पड़ेगा, बहुत सारे काम जो करने पड़े। 8 करोड़ प्लस लोगों ने डब्ल्यूपीएल का फाइनल जियो सिनेमा में देखा यार, 8 करोड़ लोगों ने यार, पाकिस्तान की 30 करोड़ की आबादी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे स्पोर्ट्स कैपिटल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, कल आरसीबी और दिल्ली कैपिटल के बीच डब्ल्यूपीएल का फाइनल मुकाबला खेला गया, और दोस्तों इस मुकाबले में आरसीबी की टीम दोस्तों जीत गई है। और दोस्तों इसके जीत के बाद जो पाक मीडिया का रिएक्शन निकल के आ रहा है, दोस्तों आप लोगों ने वीडियो के इंट्रो में देखा होगा कि किस तरह से दोस्तों अब लाइव व्यूज को लेकर पाक मीडिया रिएक्शन दे रही है। जी हां दोस्तों, जो लाइव व्यूज कल चल रहा था कल के मैच में, जिसको देख पाक मीडिया हैरान हो चुकी है और बता रही है कि हमारे वहां फाइनल मुकाबले में सारी सीट खाली थी, और वहीं डब्ल्यूपीएल में देख लो जिस तरह से क्राउड था दोस्तों डब्ल्यूपीएल का कल फाइनल मुकाबले में, दोस्तों एक सीट नहीं खाली थी दोस्तों, बल्कि सारे स्टेडियम के कोना कोना भरा था। और दोस्तों जो लाइव व्यूज की बात करें दोस्तों, तो लाइव व्यूज दोस्तों केवल 10 करोड़ थे। अगर पाकिस्तान की बात करें दोस्तों, पाकिस्तान में 30 करोड़ आबादी है, इसके बाद इसके आधा दोस्तों हमारे वहाँ डब्ल्यूपीएल में व्यूज आ गए थे। इसको देख पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा हैरान है और बता रही है कि हमारे वहाँ जो पीएसएल होता है उससे ज़्यादा कई ज़्यादा आगे जो भारत की वुमेन प्रीमियर लीग है वो आगे निकल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जो वुमेन प्रीमियर लीग है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा हिट हो चुकी है अब की बार की, क्योंकि दोस्तों आरसीबी यह फाइनल मुकाबला भी जीत गई है, और इसके जीतने के बाद जिस तरह से लाइव व्यूज आया है दोस्तों, उसको देख पाक मीडिया हैरान हो गई। तो दोस्तों आगे और भी देखते हैं कि पाक मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन आता है, इसलिए दोस्तों हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो धन्यवाद दोस्तों, देखते हैं आगे पाक मीडिया का क्या रिएक्शन आता है। वीमेन प्रीमियर लीग का फाइनल है और वहां पर क्राउड देखें, वीमेन जो टूर्नामेंट इंडिया में चल रहा है वहां पर 20-25 हज़ार का निस्बत क्राउड आता है, मगर पाकिस्तान सुपर लीग के ऑल इंपॉर्टेंट मैच के लिए क्राउड नहीं आ रहा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को परेशानी यह है कि पीएसएल का फाइनल है जहां पर मोहम्मद रिजवान होंगे, शदाब खान होंगे, नसीम शाह होंगे, उसामा मीर होंगे, ये वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, कुछ ओवरसीज क्रिकेटर खेल रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिक्र यह है पीएसएल के फाइनल में कि यार स्टेडियम कैसे भरें, भरे छोड़ें आधा कैसे कर लें। अब तो ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ी और कमेंटेटर की तादाद ज्यादा है और देखने वालों की तादाद ना होने के बराबर। पॉइंट अब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो परेशान है कि स्टेडियम को भरा कैसे जाए उस टूर्नामेंट के लिए जो पाकिस्तान की पहचान माना जाता था, जो कहता था कि पाकिस्तान की जान है पाकिस्तान सुपर लीग। और दूसरा अलमिया एक ये भी है कि इस सुपर लीग से हमें मिला क्या, क्रिकेट की क्वालिटी थोड़ी पूरी हुई, लोग देखने नहीं आ रहे। ये बहुत से ऐसे वजूहात हैं जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को परेशानी लगी हुई है कि आखिर क्या हुआ। कल जो वो जो आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स फाइनल मैच था ना, उसमें जियो सिनेमा पे सारे रिकॉर्ड टूट गए। और आरसीबी की टीम जब बैटिंग कर रही थी, स्मृति मंदाना जब बैटिंग कर रही थी ना, जियो सिनेमा के ऊपर 9 करोड़ लोग जो लाइव ये मैच देख रहे थे, 9 करोड़ लोग लाइव जियो सिनेमा के ऊपर ये मैच देख रहे थे। कमाल नहीं हो गया यार,
एक साइड हमारा पीएसएल है जहां पर जो है वो आप टीवी पे छोड़े किसी एप्लीकेशन पे छोड़े, लाइव स्टेडियम में अगर देखा जाए ना 4 करोड़ की आबादी है कराची की और वहां से 2000 लोग जो स्टेडियम में जाके मैच नहीं देख रहे। बाबर आजम को पाकिस्तान का इस टाइम सबसे बड़ा स्टार समझा जाता है, मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार समझा जाता है और हमारे इन स्टार्स को देखने के लिए मैदान में लोग ही नहीं आते। और वहां पर इंडियन वुमेन्स खेल रही है, वुमेन्स की लीग चल रही है भाई, और उसमें स्टेडियम तो खचा खच भरा हुआ है, 20-25 हजार लोग स्टेडियम में आ रहे हैं, लेकिन साथ में लाइव एक एप्लीकेशन के ऊपर 9 करोड़ लोग तो नहीं आएंगे फिर, लेकिन कहा ये जा रहा है कराची का स्टेडियम खाली है। देखिए यार अली, आपके पास जो ब्रांड क्रिकेटर जो आपने बनाया है ना, वो खाली स्टेडियम में ही बना है, कोरोना किंग है वो। कहाँ थे, आते थे लोग क्या मैच देखने? कहाँ दुनिया में जहाँ वेस्ट इंडीज, जब आपने वेस्ट इंडीज ने टू आप कोरोना में पहली दफा आप कहाँ गए वेस्ट इंडीज, वहाँ लोग थे क्या? वहाँ रन मारे उसने, इसके बाद वो कई कई जगह खेले, कहीं कहीं लोग मिले आपको? लोग है ही नहीं ना, इंग्लैंड गए सीरीज वाइट खाली, खाली तो ये खाली स्टेडियम का किंग है। इनको लोगों की क्या फिक्र है भाई, इनको तो अपने चंद लोग चाहिए, वो इनके होते हैं। अब बात सारी ये है कि यार जब तक आपके पास हीरोज नहीं होंगे ना, हीरोज हीरोज, शाहिद आज भी अगर बोल दे मैं किस फ्रेंचाइज से खेलना हूँ, आप देख लीजिएगा स्टेडियम भरा होगा। यूनुस बोल दे, मियादाद कह दें, आपके लोग हीरोज के लिए आते हैं, अपने लोग फोकों के लिए थोड़ी आते हैं। माचिस की डब्बी पे ब्रांड बना हुआ है, तो ये कोई ब्रांड है यार, ये कोई क्रिकेट हो रही है? देखें यार लोगों को अब पिछले 3-4 सालों में अंदाजा हो गया अंदाजा यार कि ये चल क्या रहा है गेम के अंदर। वो जो आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स फाइनल मैच था ना, उसमें जियो सिनेमा पे सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। और आरसीबी की टीम जब बैटिंग कर रही थी, स्मृति मंदाना जब बैटिंग कर रही थी ना, जियो सिनेमा के ऊपर 9 करोड़ लोग जो लाइव ये मैच देख रहे थे, 9 करोड़ लोग लाइव जियो सिनेमा के ऊपर ये मैच देख रहे थे। कमाल नहीं हो गया यार? एक साइड हमारा पीएसएल है जहां पर जो है वो आप टीवी पे छोड़े किसी एप्लीकेशन पे छोड़े, लाइव स्टेडियम में अगर देखा जाए ना 4 करोड़ की आबादी है कराची की और वहां से 2000 लोग जो स्टेडियम में जाके मैच नहीं देख रहे। बाबर आजम को पाकिस्तान का इस टाइम सबसे बड़ा स्टार समझा जाता है, मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार समझा जाता है और हमारे इन स्टार्स को देखने के लिए मैदान में लोग ही नहीं आते। और वहां पर इंडियन वुमेन्स खेल रही है, वुमेन्स की लीग चल रही है भाई, और उसमें स्टेडियम तो खचा खच भरा हुआ है, 20-25 हजार लोग स्टेडियम में आ रहे हैं, लेकिन साथ में लाइव एक एप्लीकेशन के ऊपर 9 करोड़ लोग जो है। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरह से जो पाक मीडिया है वो WPL की किस तरह से तारीफ कर रही है। जी हाँ दोस्तों, जो पाकिस्तान में PSL चल रहा है दोस्तों, उसको बीड कर चुकी है हमारे वहाँ की लड़कियाँ। जी हाँ दोस्तों, WPL इतना हिट हो चुका है कि दोस्तों उनके PSL का दोस्तों पूरे मैच मिला दिया जाए तो इतने व्यूज नहीं आए होंगे जितने हमारे वहाँ WPL में व्यूज आ गए हैं। जिसको देख पाक मीडिया पूरी तरह से हैरान है और बता रही है कि भारत से कुछ सीख लो, भारत जिस तरह से ब्रांड क्रिकेट खेल रहा है, भारत में जो लीग हो रहे हैं वो कितने ब्रांड लेवल के हो रहे हैं। और तुम्हारे वहाँ देख लो ना, फुद्दू स्टेडियम है ना, तुम्हारे वहाँ के जो खिलाड़ी है वो नहीं सही है, सब रिटायर्ड खिलाड़ी खेलते हैं वहाँ। अगर WPL को देख लो, जिस तरह से तुम्हारे अच्छे तुमसे अच्छा तो WPL वाले खेल रहे हैं, इनके IPL की तो बात ही करो छोड़ो, इनके IPL से अच्छा तो WPL कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसको देख पाक मीडिया बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी है कि दोस्तों कल RCB जब फाइनल मुकाबला खेल रही थी तो दोस्तों बहुत ज़्यादा लाइव वॉचिंग आ रही थी और दोस्तों बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को पैसों भी मिले हैं, जिसको देख भी पाक मीडिया बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से खिलाड़ियों को पैसे मिले हैं दोस्तों, पाकिस्तान में कभी भी नहीं मिलते हैं। और इसको लेकर पाक मीडिया और पाक खिलाड़ी दोस्तों इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा सदमे में आ चुके हैं और बता रहे हैं कि भारत जैसा मुल्क में अगर हम भी रहते हैं तो हम भी काश वहाँ के WPL और IPL खेलते और हमारे वहाँ इतना नसीब ही नहीं कि हम इतना रुपया कमा पाए और हमारे यहाँ इतना व्यू जा पाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स कैपिटल। धन्यवाद।